इनइक्वालिटी की सीरीज में ये पार्ट फोर है और पार्ट फोर में हम सीखेंगे कोडेड इनइक्वालिटीज़ को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तरीके क्या होंगे और अगर आप उन तरीकों का यूज़ करते हैं तो कितना समय आप बचा सकते हैं एग्ज़ाम टाइम में। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। और अगर आप पार्ट फोर से स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को देखना तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पार्ट वन से देखिए वीडियोस को, ताकि आपको जो बेसिक तरीका है सॉल्व करने का वो समझ में आ सके, साथ साथ में आइदर आर केसेस कैसे सॉल्व करते हैं वो सब आपको अच्छे से पता लग सके। यहाँ कॉर्नर में मैं लिंक दूंगा प्लेलिस्ट का, जहाँ पर जा करके आप ये सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कोडेड इनइक्वालिटीज़ होते क्या हैं? जैसे आपके सामने एक ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, इसमें लिखा क्या हुआ है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सिंबल डॉलर, ये स्टार, परसेंट, एट द रेट एंड कॉपीराइट आर यूज्ड विद द फॉलोइंग मीनिंग्स एज इलस्ट्रेटेड बिलो। मतलब ये जो सिंबल्स हैं इनकी अपने आप में कुछ मीनिंग है जिसके आधार पर आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो नाम से तो आपको समझ में आता है कोडेड इनइक्वालिटीज़ होंगी, तो इनइक्वालिटीज़ लेकिन वो कोडेड होंगी, मतलब जैसे लिखा जाएगा डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ए ग्रेटर और इक्वल टू बी अगर लिखना है तो ये ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा रहेगा, बल्कि ये कोड के रूप में जैसे ए एट द रेट बी ऐसे लिख देगा। तो पहले आपको बताया जाएगा कि इस एट द रेट का मतलब क्या है, फिर ऐसे लिखा जाएगा। तो आपको इसको डिकोड करना होगा पहले, एग्ज़ाम में सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को डिकोड करेंगे आप, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर आप आंसर देंगे, तब आपको नंबर मिलेगा। तो प्रोसीजर थोड़ा सा यहाँ पे लंबा हो जाता है, तो प्रोसीजर लंबा हो जाता है, इसमें आप अपने जो समय है उसको कैसे और बचा सकते हैं वही तरीके हम यहाँ पे सीखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है P स्टार Q मीन्स P इज़ नॉट ग्रेटर देन Q, कि अगर P स्टार Q ऐसे लिखा गया है तो इसका मतलब है कि P जो है वो Q से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, तो आप इसकी मीनिंग समझेंगे कि अगर P जो है वो Q से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि P Q से छोटा होगा या तो इक्वल होगा। इनइक्वालिटीज़ में हम तीन तरह के यहाँ पे रिलेशनशिप को देखते हैं, एक ग्रेटर देन का, एक स्मॉलर देन का और एक इक्वल का। अगर यहाँ पे आपको बताया जाता है केवल एक रिलेशनशिप के बारे में कि समथिंग इज़ नॉट ग्रेटर देन समथिंग एल्स, तो उसका मतलब क्या है कि ग्रेटर नहीं है तो उसके बाकी दोनों के होने के चांसेस हैं, मतलब छोटा होगा या तो इक्वल होगा। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, P यहाँ पे लेस और इक्वल टू Q, अगर स्टार है तो इसका मतलब लेस और इक्वल टू Q। फिर यहाँ पे देखिए लिखा P एट द रेट Q मीन्स P इज़ नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू Q, कि अगर एट द रेट आता है बीच में तो उसका मतलब है कि जो P है वो ना तो ग्रेटर है ना ही इक्वल है क्यू के, मतलब तीन यहाँ पे जो रिलेशनशिप है उसमें से दो काट दिया, ग्रेटर भी नहीं होगा और इक्वल भी नहीं होगा, तब P क्या होगा, तब होगा P लेस देन क्यू, केवल एक ही रिलेशनशिप बचती है। फिर लिखा हुआ P कॉपीराइट Q मीन्स P इज़ नॉट स्मॉलर देन Q, कि अगर ऐसे कॉपीराइट लिखा है तो इसका मतलब है कि P छोटा नहीं है Q से, स्मॉलर नहीं है, मतलब दो रिलेशनशिप होगी, P ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा क्यू के। फिर P परसेंट Q मीन्स P इज़ नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन Q, कि अगर परसेंट ऐसे है तो इसका मतलब कि P ना तो छोटा है और ना ही बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि P और Q आपस में इक्वल होंगे, P इक्वल्स Q, ये रिलेशनशिप होगी। फिर P डॉलर Q मीन्स P इज़ नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू Q, अगर डॉलर है तो उसका मतलब है कि P ना तो छोटा है ना ही इक्वल है, तो फिर क्या आ जाएगा, P ग्रेटर देन Q। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन ये आपको उतना हेल्प करेगा नहीं क्वेश्चन जब करने लेंगे, आपको बार बार देखना पड़ेगा, अच्छा ये स्टार का मतलब क्या था, लेस था या आपका ग्रेटर था, ग्रेटर देन इक्वल था या इक्वल था, क्या था। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है और एग्ज़ाम टाइम में आप कन्फ्यूज़न से ही बचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 20 मिनट मिले रीजनिंग को सॉल्व करने के, 20 मिनट से ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं, और उस 20 मिनट में अगर आप कन्फ्यूजन में भी थोड़ा समय बिताएंगे तो एक तो क्वेश्चन गलत होगा, दूसरा टाइम वेस्ट होगा। तो कैसे इससे आप बचेंगे, तो इससे बचने का सीधा सा तरीका सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो भी कोड इस्तेमाल हो रहे हैं, स्टार, एट द रेट, कॉपीराइट, परसेंट, डॉलर, इसको जो भी आपको रफ कॉपी मिलती है वहाँ पर टेबल वाइज लिख लेंगे। कैसे, ऐसे आप एक टेबल बना लेंगे, यहाँ पे जैसे मैं लिखूँ स्टार, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा लेस देन और इक्वल टू,
और इसका मतलब आप समझते हैं कि ये जो लिखा हुआ लेटर है ये क्या है, पी और क्यू दो लेटर हैं और बीच में ये सिंबल आ रहा है, और ये जो लेस देन इक्वल टू का जो साइन आ रहा है ये पहले लेटर और जो दूसरा लेटर उसके बीच में लगेगा, ठीक है। तो इसको लिखने की पी लेस देन क्यू जरूरत नहीं है, उसमें भी आप समय वेस्ट मत करिए पी और क्यू यहाँ पर लिखने में, उससे बचिए, इतना आपको दिमाग में रखना है तब आप तेजी से कर पाएंगे। फिर इसी तरह एट द रेट का मतलब क्या था, यहाँ पे लेस देन, तो हम यहाँ पे एट द रेट के लिए लेस देन का साइन लगा लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या था, कॉपीराइट, कॉपीराइट इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लिख लिया हमने। फिर था परसेंट, परसेंट का मतलब यहाँ पे क्या था, तो परसेंट का मतलब था इक्वल, और उसके बाद क्या था डॉलर, तो डॉलर का क्या मतलब था, ये था ग्रेटर देन। तो ये आपके सामने मिल गए साइंस जो हैं और उसके मतलब क्या निकल के आते हैं वो आपको पता चले। अब ये अगर आपने रफ कॉपी में बना लिया है, अब आपको कुछ यहाँ पे लौटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखना नहीं पड़ेगा, बस आपको इनको देखना है, रेफर करना है और क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करना है। तो पहला ये जो कह सकते हैं जो ट्रिक है या फिर कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है, आपको ऐसे डेवलप करना है कि एक टेबल बना लीजिए जिसमें हर एक सिंबल के सामने उसकी रिलेशनशिप, वो सिंबल क्या दर्शाता है वो लिखा होना चाहिए, फिर आपके लिए आसानी होगी। तो ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ नीचे लिखी हुई है कि नाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू, फाइंड विच ऑफ द थ्री कंक्लूजन्स 1, 2 and 3 गिवन बिलो देम इज आर डेफिनेटली ट्रू एंड गिव योर आंसर्स अकॉर्डिंगली। यहाँ पे कह रहे हैं कि अब सारे जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको ये अज्यूम करना है कि उसमें जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो ट्रू है, और फिर यहाँ पे तीन कंक्लूजन्स गिवन हैं और आपको फिर बताना है कि उन तीनों में से कौन सा डेफिनेटली ट्रू है। ओके, उससे रिलेटेड आपके सामने ऑप्शंस होंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं रखा है, मुझे लगा कि अब आप थोड़ा हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो करेंगे, साथ साथ में जो ऑप्शंस हैं वो भी मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, और ऑप्शंस आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से हम यहाँ पर करेंगे। ओके, तो इस टेबल को मैं यहाँ पे ले लूँ, अगले क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वहाँ पे इसका हम कैसे यूज़ करेंगे इसको दिखाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आप क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट आपके सामने है, ये भी कोडेड है, तो सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे कि आप इसको डिकोड करने का प्रयास करेंगे कि क्या इसके बीच में रिलेशनशिप है। फिर हम कंक्लूजन पे बढ़ेंगे, कंक्लूजन भी देखिए कोडेड है तो कंक्लूजन भी आपको डिकोड करना पड़ेगा, फिर आपको देखना होगा कौन सा सही हो रहा है। उसके बाद फिर आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस को देखना होगा, और ये ऐसे पजल्ड आपके ऑप्शंस भी हैं, जैसे पहला नॉन इज ट्रू, दूसरे में ओनली वन इज ट्रू, तो ऐसे आँख बंद करके आप नहीं कह सकते अच्छा 1, 2, 3 में कौन सा सही है, टिक मार के चले जाएँ। बहुत डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप यहाँ पे बनेंगी, तो सारी चीज़ें देखेंगे, कोई भी घबराने वाली बात नहीं, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देखें कॉपीराइट, अब आर और के बीच में कॉपीराइट आ रहा है, कॉपीराइट का सीधा सा मतलब यहाँ पे हमने जब देख लिया है कि अच्छा ये होता है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे मैं सामने लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया कि आर ग्रेटर और इक्वल टू के, फिर सेमी कॉलन के डॉलर एम, डॉलर का मतलब क्या है ग्रेटर, तो के ग्रेटर देन एम, फिर सेमी कॉलन, फिर क्या है एम स्टार जे, एम स्टार जे का मतलब क्या हो गया एम लेस देन और इक्वल टू जे। ये आपके सामने हो गया, हमने डिकोड किया। अब हम कंक्लूजन्स पे बढ़े, कंक्लूजन में पहला क्या है जे डॉलर के, जे डॉलर के का मतलब क्या है कि ये बता रहा है जे ग्रेटर देन के। दूसरा कंक्लूजन है एम एट द रेट आर, इसका मतलब क्या है कि एम एट द रेट का देखिए क्या है लेस देन, तो एम लेस देन यहाँ पे आर। फिर नेक्स्ट है एम परसेंट आर, एम परसेंट का आर का मतलब क्या हो गया एम इक्वल्स आर। अब चलिए देखते हैं कौन सा सही होता है। पहला कंक्लूजन कि आप जे से के तक जा सकते हैं, फिर से उसी कहानी पे हम वापस आ गए, जे से के तक जा सकते हैं क्या, तो देखिए जे यहाँ पे है, जे से हम एम तक जा सकते हैं, बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं, के तो खैर यहाँ पे है, के तक हमको जाना है तो हम कैसे, अच्छा एम के साथ भी के रिलेशनशिप है। अब एम से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको क्या मिलेगा, गेट क्लोज मिलेगा, मतलब आप आगे बढ़ नहीं सकते, जब आप आगे बढ़ नहीं सकते तो के तक जा नहीं सकते, कंक्लूजन वन जो है फॉल्स हो गया। कंक्लूजन टू क्या है कि आप R से M तक जा सकते हैं क्या, चलिए देखते हैं, हम R से चले K पे, फिर K से हम यहाँ पे आ गए M पे, हाँ हम R से M तक तो जा सकते हैं, बड़े आसानी से पहुँच सकते हैं, तो कंक्लूजन टू जो है वो आपका करेक्ट हो गया। तीसरा कंक्लूजन है M इक्वल्स R, देखिए जब ये वाला कंक्लूजन सही हो गया, M इक्वल्स R आपको दिख रहा है, हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो ये आपका कंक्लूजन हो गया गलत। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका होगा थर्ड वाला, ओनली टू इज ट्रू,
ठीक है, इसको आप टिक करेंगे। अब यहीं पे कुछ लोग सोचेंगे अच्छा एम आर कहीं इसमें आइदर आर केस तो नहीं लग जाएगा, तो सोचेंगे अच्छा आइदर आर केस लग जाएगा, तो चौथे वाले ऑप्शन को भी टिक कर सकते हैं कि ओनली आइदर टू और थ्री इज ट्रू। नहीं, आइदर आर केस लगने के लिए दोनों कंक्लूजन्स जिसके बारे में बात हो रही है वो इंडिपेंडेंटली या फिर इंडिविजुअली गलत होने चाहिए, इसमें तो एक सही है, तो आइदर आर केस कहाँ से लगेगा? आपको एग्जैक्टली पता है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ओके, तो यहाँ पे आइदर आर केस नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। अब यहाँ पे हम सबसे पहले डिकोड करने का प्रयास करेंगे बी कॉपीराइट एन। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू, तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन। फिर उसके बाद क्या है? आर डॉलर बी। आर डॉलर बी का मतलब क्या हो गया कि आर ग्रेटर देन बी। फिर है एन एट द रेट टी। एन एट द रेट टी का मतलब क्या हो गया? एन लेस देन टी। अब कंक्लूजन्स पे बढ़िए। एन एट द रेट आर। एन एट द रेट आर का मतलब क्या हो गया कि एन लेस देन आर। टी डॉलर बी। टी डॉलर बी का मतलब क्या हो गया? टी ग्रेटर देन बी। टी डॉलर आर का मतलब क्या हो गया कि टी और डॉलर का मतलब क्या है यहाँ पे? ग्रेटर से ग्रेटर देन आर। तो ये आपके तीन कंक्लूजन्स आपके सामने यहाँ पे निकल के आते हैं। अब कौन सा सही है? सबसे पहले कंक्लूजन पे अगर हम बढ़ें कि हम आर से एन तक जा सकते हैं क्या, तो आर है यहाँ पे और एन है यहाँ पे, हम आर से बी तक जा सकते हैं और बी से हम एन तक जा सकते हैं, तो एन से आर से एन तक तो हम जा सकते हैं। और बीच में हमको एक बार यहाँ पे देखिए सिंगल यहाँ पे रिलेशनशिप है ग्रेटर देन की, तो एक रिलेशनशिप हमको मिलनी चाहिए जो कि हमको शुरुआत वाले में ही मिल गई यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये कंक्लूज़न आपका करेक्ट है। फिर टी से हम बी तक जा सकते हैं क्या? चलिए देखते हैं हम टी से जा कहाँ सकते हैं, हम टी से एन तक जा सकते हैं। फिर एन से बी तक हम जा सकते हैं क्या? देखिए एन से जैसे ही आगे बढ़े यहाँ पे तो गेट क्लोज मिल गया, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं बी तक? नहीं जा सकते, तो ये कंक्लूज़न गलत हो गया। इसी तरह आप टी से आर तक जा सकते हैं क्या? देखिए आर तक जाने के लिए आप यहाँ पे देखिए आर के बीच में जो रिलेशनशिप आपको दिखाई गई है बी के साथ है, और जब आप बी तक ही नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आर तक कहाँ से पहुँचेंगे? और अगर आप बी तक पहुँच भी जाते तो भी बी से आगे बढ़ते तो फिर से गेट क्लोज था, तो आप आर तक नहीं जा सकते थे, तो इसमें कंक्लूज़न थ्री भी गलत है। दो कंक्लूजन यहाँ पे गलत होते हैं, एक बार आप देख लीजिएगा कि वहाँ पे आइदर आर केस तो नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए दोनों गलत तो हैं लेकिन इनके एलिमेंट्स सेम नहीं है, यहाँ पे बी है यहाँ पे आर है, आइदर आर केस नहीं लगेगा। कौन सा इसका कंक्लूजन सही है? केवल फर्स्ट वाला। तो आंसर के रूप में क्या होगा? ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू। जहाँ पर लिखा हो वहीं पर क्लिक करिएगा। कई बार होता है कि ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू फर्स्ट पे ना लिख करके फोर्थ पे लिखा होगा, तो यहाँ पे गलती मत करिएगा। अब चलिए थर्ड वाला देखते हैं। के डॉलर आर। के डॉलर आर का मतलब क्या हो गया कि के जो है बड़ा है आर से। फिर नेक्स्ट है डब्लू कॉपीराइट के। डब्लू कॉपीराइट के का मतलब क्या हो गया कि डब्लू जो है ग्रेटर और इक्वल टू है के। फिर है आर परसेंट एन, मतलब आर क्या है? इक्वल है एन के। ओके, अब कंक्लूजन पे बढ़े। पहला कंक्लूजन कहता है एन एट द रेट के, इसका मतलब क्या हो गया? एन क्या है? छोटा है किससे? के से। आर एट द रेट डब्ल्यू, मतलब क्या हो गया कि आर छोटा है किससे? डब्ल्यू से। डब्ल्यू डॉलर एन, इसका मतलब क्या हो गया कि डब्ल्यू किससे बड़ा है? एन से। तो ये आपके सामने कंक्लूजन्स हो गए। अब देखिए पहला कंक्लूजन कहता है कि आप के से एन तक जा सकते हैं क्या, तो के से एन तक जाने के लिए आपको आर के पास पहुँचना होगा। देखिए के से आप आर तक जा सकते हैं और आर से एन तक जा सकते हैं, और आपको बीच में एक ये देखिए ग्रेटर देन का साइन तो मिल ही गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला कंक्लूजन करेक्ट है। फिर इसी तरह W से R तक आप जा सकते हैं क्या, तो W से R तक भी आप देखिए जा सकते हैं। W से आप K तक जा सकते हैं और K से R तक जा सकते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन और यहाँ पे एक बार आपको ये वाला साइन मिल गया, तो ये वाला कंक्लूजन भी सही है। फिर आप W से N तक जा सकते हैं क्या? देखिए W से N तक आप जा सकते हैं, अगर R तक पहुँच गए तो N और R तो इक्वल ही हैं आपस में, तो आपका तीसरा वाला कंक्लूजन भी करेक्ट हो गया। इसका मतलब इसमें कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है? तीनों ही। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑल वन टू एंड थ्री आर ट्रू। पांच और ऑप्शन इसका टिक करेंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि एच स्टार डब्ल्यू। एच स्टार डब्ल्यू का मतलब क्या होगा कि एच जो है वो लेस देन और इक्वल टू है डब्ल्यू के। फिर है डब्ल्यू एट द रेट एन, तो डब्ल्यू एट द रेट एन का मतलब डब्ल्यू लेस देन क्या है? एन के। फिर है एन और इक्वल्स आर, एन और आर के बीच में परसेंट का साइन है, तो ये इक्वल हो गया। कंक्लूजन देखिए आर डॉलर डब्ल्यू। आर डॉलर डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया कि आर जो है वो बड़ा है किससे? डब्ल्यू से। फिर एन डॉलर डब्ल्यू,
एन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, डब्ल्यू से। एच एट द रेट आर, एच एट द रेट आर का मतलब क्या हो जाएगा, एच छोटा हो जाएगा किससे, आर से। तो ये आपके सामने तीन कंक्लूजन है, कौन सा सही होगा। आप आर से डब्ल्यू तक जा सकते हैं क्या, चलिए देखते हैं। आप आर से चलेंगे तो आप एन तक जा सकते हैं, और एन से चलेंगे तो आप डब्ल्यू तक पहुंच सकते हैं, और एक आपको यहाँ पे गेट मिल गया ग्रेटर का, तो ये आपका सही हो गया। आप एन से डब्ल्यू तक जा सकते हैं क्या, तो देखिए एन से आप डब्ल्यू तक तो जा ही रहे थे, और आर से जब जा सकते हैं तो एन से तो जा ही सकते हैं, तो आपका कंक्लूजन जो टू है वो भी आपका करेक्ट ही है। आप आर से एच तक जा सकते हैं क्या, तो देखिए आर से एच तक आप जा सकते हैं, और यहाँ पे देखिए आप जा तो सकते हैं, और यहाँ पे सही भी है क्योंकि आप आर से एन तक जाएंगे, आर से एन तक जाएंगे, एन से डब्ल्यू तक, और डब्ल्यू से एच तक, और एक बार आपको बीच में वाला गेट मिल गया है, इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन भी आपका सही है। तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑल वन टू एंड थ्री आर करेक्ट। अब चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है कि जेड परसेंट एम, जेड परसेंट एम का मतलब क्या हो गया कि जेड और एम आपस में बराबर हैं, ओके। फिर है एम स्टार एफ, इसका मतलब क्या हो गया कि एम लेस देन और इक्वल टू है एफ के। फिर क्या है एफ डॉलर डी, इसका मतलब क्या हो गया एफ ग्रेटर देन डी के है। कंक्लूजन्स पे चलें तो पहला कंक्लूजन ये कहता है एफ इक्वल्स जेड, फिर दूसरा कंक्लूजन कहता है कि एफ ग्रेटर देन जेड, तीसरा कंक्लूजन कहता है यहाँ पे डी लेस देन जेड। चलिए देखते हैं कौन सा सही होता है। एफ इक्वल जेड, अब एफ है यहाँ पे और जेड है यहाँ पे, आप एफ से जेड तक तो जा सकते हैं, एम पे जाएंगे, एम से आप जेड पे जाएंगे, तो आप चाहें तो यहाँ एम की जगह पे जेड को रिप्लेस करेंगे तो आपको पता चलेगा इनके बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू की रिलेशनशिप है, इक्वल टू की नहीं है, ये वाला कंक्लूजन गलत हो गया। फिर आप इसी तरह देखिए लिखा हुआ है एफ ग्रेटर देन जेड, आप क्या एफ ग्रेटर देन जेड तक जा सकते हैं, तो देखिए आप एफ से जेड तक जा सकते हैं लेकिन इनके बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू की रिलेशनशिप है, ग्रेटर देन की रिलेशनशिप नहीं है, तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। फिर लिखा है जेड से आप डी तक जा सकते हैं क्या, तो देखिए आप जेड से एम तक जा सकते हैं, और एम से आप एफ तक नहीं जा सकते हैं वरना आप डी तक जाते, एम से जैसे ही आगे बढ़ेंगे गेट हो गया है क्लोज, तो ये वाला आपका गलत हो गया। तीसरा वाला भी आपका गलत है, तो इसमें क्या कहेंगे कि आप नन ऑफ दीज या तीनों ही गलत हैं आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब गलती ऐसे हो जहाँ पे दो स्टेटमेंट गलत हो तो आप एक बार आइदर आर जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए एफ और जेड, एफ और जेड यहाँ पे पहले और दूसरे में एलिमेंट सेम है, दोनों गलत भी हैं, तो आपको ये देखना होगा ये रिलेशनशिप वाला केस है या नॉन रिलेशनशिप वाला केस है। तो आप देखेंगे आप एफ से जेड तक पहुंच सकते हैं और इसके बीच में रिलेशनशिप क्या बन रही है, एफ ग्रेटर और इक्वल टू जेड की, तो इस केस में रिलेशनशिप वाला केस है। तो अगर मैं वन एंड टू को कंबाइन करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ इसके बीच में इन दोनों सिंबल्स को कंबाइन करने पे यही आपके साइन आ रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू के, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा कि आइदर वन और टू इज ट्रू। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, सेकेंड वाला, ओनली आइदर वन और टू इज ट्रू, ओके। तो ये था पांचवा क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं ये आपको समझ में आए होंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, कैसे डिकोड करना है, फिर आपको यहाँ पे आंसर करना है, ये भी समझ में आया होगा। तो इसमें मैंने केवल पांच ही यहाँ पे क्वेश्चंस लिए थे आपको समझाने के लिए, ये एक शुरुआत है कोडेड इनइक्वालिटी की, और ये बहुत आसान भी है, तो इससे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब हाई लेवल का मतलब क्या है कि थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं समझने में आपको, ऐसा नहीं कर नहीं सकता है उसको कोई, या बहुत कठिन होते, इतने कठिन भी नहीं होते, बस उनका जो टाइप है वो डिफरेंट होता है। तो आप चिंता मत करिए, वो सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, ऐसा नहीं कि आसान वाला बता करके छोड़ दूंगा कि बाकी आप कठिन वाला खुद से करिए, वो सारे क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, और उनको कैसे आप सॉल्व करेंगे ये भी हम देखेंगे, तरीके उनके क्या होंगे वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया, पसंद आया, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और इस वीडियो को देख सकें और लाभान्वित हो सकें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ की कोई भी वीडियो मिस ना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।